हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की 30 नंबर की पार्ट है, 13 नंबर का पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी 12 पार्ट्स आ चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर आप देखिए। 13वें पार्ट में फ्रेंड्स हम पवन देखेंगे, जिसमें गर्म पवन है, ठंडी पवन है और साथ साथ में जेट स्ट्रीम। और मुख्य रूप से पवन कितने प्रकार होते हैं, प्रकार उसका पूरा वर्गीकरण हम इसमें देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पवनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ही पूछा जाता है। आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप कहेंगे बहुत ही अच्छा मैटर है, आपको इससे अच्छा संग्रह कहीं पर भी नहीं मिलेगा। फुल मैटर है फ्रेंड्स, ये प्री मेंस सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसका में जो कंटेंट हमने करके रखा है जो नोट्स का, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल पूरे समीक्षा इंस्टीट्यूट की जो पब्लिकेशन है किताबों का, वहाँ से लिया गया पूरा मैटर है, आप जाकर किताबों में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैटर आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पवनों से कि पवन होती क्या है। सबसे पहले तो परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के बाद प्रकार देखेंगे फ्रेंड्स, उसके संबंधित जो भी नियम है वो भी देखेंगे साथ साथ में। देखिए, वायु दाब में विभिन्नता के कारण गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो वायु दाब होता है, जैसे कि पृथ्वी के जो वायुमंडल में जो वायु दाब की विभिन्नताओं के कारण जो गतिशील वायु को जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है, पवन या फिर वाइंड्स कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विषमता के कारण रण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन कहा जाता है। अब इतना ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि हवा, पहली बात तो देखिए, चाहे हवा हो, चाहे चक्रवाती हो, चाहे कुछ चक्रवात हो, चक्रवात पवन के अंतर्गत ही आते हैं, पवनों के अंतर्गत ही आते हैं, हवाओं के अंतर्गत ही, तो याद रखें वो हमेशा कहाँ से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ते हैं। कहाँ से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब अपनी पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल की उत्पत्ति होती है एवं पवन की दिशा फेरल नियम, वेलोट नियम, वाइस वेलोट नियम, हेडली नियम द्वारा निर्धारित होती है। पवन से संबंधित दो तीन नियम दिए गए हैं तो उनको हम इसमें देखेंगे। पहली बात तो इतना याद रख ली, पवन से संबंधित कितने नियम है, तो जो फेरल नियम भी इसी से संबंधित, वाइस वेलोट नियम भी है और हेडली नियम भी है, ठीक है। फेरल नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर से, कहां से, उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसा विषुव रेखा पर घूर्णन की गति एवं तेज ध्रुवों पर धीमा होने के कारण होता है, ठीक है, याद रखना। वाइस वॉलेट के नियम के अनुसार यदि उत्तरी गोलार्ध में पीठ की ओर से पवन चल रही है तो उच्च वायुदाब दाहिनी ओर और निम्न वायुदाब बाईं ओर होता है, ठीक है, याद रखना। पवन के प्रकार देखते हैं डायरेक्ट कि पवन कितने प्रकार की होती है, फिर उन्हीं प्रकार को हम एक्सप्लेन करेंगे और उन्हीं में से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। पहले नंबर पे आती है स्थान पवन। देखिए, पवनों को तीन भागों में बांटा है हमने, स्थायी पवने आएंगी, फिर दूसरे नंबर पे मौसमी पवने आएंगी और तीसरे नंबर पे आएंगी स्थानीय पवने। जे स्थायी परमानेंट पवने हैं, ठीक है, जे स्थानीय है, अभी आप कन्फ्यूज हो जाएगा जब आप इनको पूरी तरीके से देखोगे। स्थायी पवनों में व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने आएंगी, मौसमी पवनों में मानसूनी, स्थलीय और सागरीय समीर, चक्रवात आएंगे, पर्वतीय समीर और घाटीय समीर आएगा, ठीक है। और स्थानीय पवनों में अगर बात करें तो गर्म ठंडी स्थानीय हवाएं और ठंडी स्थानीय हवाएं, ठीक है, याद रखना। ये सारी सारी है जिसमें हम चिन्हों पढ़ेंगे, देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्र में जो स्थानीय पवने हैं उनको देखेंगे इसमें, ठीक है, स्थानीय पवनों में, लोकल पवनों वाइंस में। मुख्य रूप से पवनों को इसमें देख लीजिए, सारा ही सारा मैटर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम स्थाई पवनों से कि स्थाई पवने क्या होती है। चित्र में देखिए पहले तो कि स्थाई पवने क्या होती हैं। स्थाई पवनों, तीनों पवनों को हम देखेंगे। वर्ष भर एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवनों को हम स्थाई पवने कहते हैं। एक प्रचलित पवने या प्रिवेलिंग वाइंड्स भी कहलाती हैं। ये तीन प्रकार की होती है। पहले नंबर पर व्यापारिक पवने, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध में चलने वाली पवनों को वाणिज्य पवन कहा जाता है। अब उच्च दाब कटिबंध से देखिए, उच्च उपोष्ण उच्च दाब कहाँ पर मिलेगा आपको, सब ट्रॉपिकल, यहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, वो विषुवतीय की ओर जा रही है, ठीक है, याद रखना। देखिए, जे जा रही है, जे जो जा रही है, ठीक है, ये पवन जो बीच में विषुवत रेखा का डायग्राम है, ठीक है, ये विषुवत रेखा का इक्वेटर का है और जे जा रही है, ठीक है, दोनों गोलार्धों में चलती है। इसे अंग्रेजी भाषा में ट्रेडविंड भी कहते हैं। ट्रेडविंड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट पथ। अगर ट्रेड पवन निर्दिष्ट पथ पर ही एक ही दिशा में निरंतर चलने वाली पवन है। वाणिज्य पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी से दक्षिण पूर्वी होती है, ठीक है, एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी से लेकर उत्तर पूर्वी होती है, ठीक है, याद रखना।
देखिए दक्षिण पूर्वी से लेकर कहाँ पे हो रही है, उत्तर पूर्वी की, और उत्तरी गोलार्ध में हो रही है उत्तर पूर्वी से लेकर दक्षिण पूर्वी तक, ठीक है। चलिए उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थन हेमस्फीयर में व्यापारिक पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में होती है, यानी साउथर्न हेमस्फीयर में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो ये चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ पूरे मार्क्स को, तो आपको आसानी होगी याद करने में। इस चित्र में यहाँ पे आप इसको आसानी से देखिए और फिर पढ़िए एक बार, तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा व्यापारिक पवनों को, ठीक है। अगला देखते हैं पछुआ पवनें कौन सी होती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर। देखिए उपोष्ण यहाँ से 30 डिग्री से लेके उप ध्रुवीय 60 डिग्री तक की ओर बहने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती है। यह पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एवं दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पूर्व की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है। चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 से 63 दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है, जहाँ इसे गरजते 40 प्रचंड 50 और चीखते 60 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखना 40 डिग्री से 65 मैक्सिमम अगर बात करें तो हम, ठीक है, याद रखना। यहाँ से चित्र में देखिए ये पवने अन्य स्थानीय पवनों के विपरीत गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलती हैं एवं महाद्वीपों में पश्चिम तटीय भागों से वर्ष भर वर्षा करती हैं, जहाँ पर ये गर्म पछुए पवने ध्रुवों की ओर आने वाली ठंडे पवनों से मिलती हैं, वहाँ वातार का निर्माण करती हैं एवं शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पवन अधिक प्रचंड एवं व्यवस्थित होती है। जैसे कि देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के बाद जल मंडल के अधिक विस्तार के कारण निर्वात वेग से चलने वाली पछुए पवनों को गरजता 40 कहलाता है। 50 डिग्री पर क्रूर 50 या फिर प्रचंड 50 कहलाता है और 60 पर कहलाता है चीखता 60। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, जो उत्तरी गोलार्ध में नहीं होती, याद रखना है, क्या नीचे वाले गोलार्ध में होती है इस एरिया में, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, पीएससी के प्री में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। चलिए अगली आती है हमारी ध्रुवीय पवन है, तीसरे नंबर की ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायु की ओर चलने वाली पवन होती है। जैसे चित्र में देखिए जो चल रही है पवन है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है पवन उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। चित्र में जैसे देख रहे हैं इस तरीके से चल रही है, ठीक है, चित्र में देखिए। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली होती है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र में अपेक्षा अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर बहने के कारण पवन शुष्क होती जाती है, ठीक है। दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के प्रभावित होती है। जो पवन है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। शीतकाल में ध्रुवीय पवन अत्यंत प्रचंड हो जाती है, जिसे कनाडा में ब्लिजर्ड और साइबेरिया में पुर्गा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना पुर्गा के नाम से। जैसे मैं स्थानीय पवनों में बताऊंगा कनाडा में कौन सी है और साइबेरिया में कौन सी है, ठीक है। अगली आती है मौसमी पवन है। मौसमी पवन मौसम के अनुसार बहने वाली पवनों को मौसमी पवन कहा जाता है, याद रखना। मौसमी पवन हमने चार प्रकार की बात की थी, एक तो मानसूनी पवनें होती हैं। मानसूनी पवनों में मौसम के परिवर्तन के स्वरूप के आधार पर हवा की दिशा परिवर्तन हो जाती है, उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों की दिशा भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ध्यान देना, यानी कि केरल और गोवा के तट से प्रवेश करती हैं और फिर ये केरल और कर्नाटक के तट से प्रवेश करती हैं और कहाँ तक उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की भारत की तीन शाखाएं हैं, याद रखना, पश्चिमी घाट है, ठीक है, नर्मदा ताप्ती घाट शाखा है और अरावली शाखा है, ठीक है, तीनों को याद कर लेना। बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाली ग्रीष्मकाल मानसून तीन शाखाओं में विकसित है, जो दक्षिण पश्चिम वाली है, बंगाल की खाड़ी वाली अलग है, पश्चिम बंगाल की शाखा, मेघालय की शाखा और अराकानामा की शाखा, ठीक है। अगली आती है स्थलीय समीर और सागरीय। मौसमी पवनों में स्थलीय समीर और सागरीय पवने आती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ये पर्वतीय समीर से लेकर जो इसमें यहाँ पर इस एरिया में सागरीय समीर का वर्णन किया गया है। स्थल समीर एवं समुद्री समीर समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक पतली टूटी पट्टी को ही प्रभावित करती हैं। दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल खंड अधिक गर्म हो जाता है एवं वहाँ निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। समुद्र के ठंडा होने के कारण उस पर अपेक्षाकृत उच्च दाब पाया जाता है। गर्म होने के कारण स्थल की हवा ऊपर की ओर उठती है एवं उसका स्थान लेने के लिए सागर की ठंडी वायु सागर से स्थल की ओर प्रभावित होने लगती है। इसे समुद्री समीर कहा जाता है।
रात के समय तेज भौमिक विकर स्थल खंड को समुद्र की तुलना में अधिक ठंडा कर देती है। इसके फलस्वरूप स्थल पर उच्च वायु दाब एवं महासागर पर निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। वायु स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली लगती है, जिन्हें स्थल समीर कहा जाता है। चित्र में देखते जाइए और आप आसानी से इसको करते जाइए, ठीक है। स्थलीय समीर और सागरीय समीर दैनिक पवन है, दोनों याद रखना। स्थल समीर रात में स्थल से सागर की ओर, सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर चलती है, ठीक है। जैसे चित्र में देख रहे हो, सागर की ओर चलेंगी ये, ठीक है। दैनिक पवन स्थल से सागर की ओर चलेंगी, कहाँ पर? दिन में चलेंगी, ठीक है, याद रखना। क्या? दिन में, रात में, ठीक है, याद रखना। और फिर दिन में जो उल्टी हो जाती है, तरीके से इनका डायग्राम चलता रहता है। अब आते हैं पर्वतीय समीर और घाटीय समीर। जैसे चित्र में देखिए पर्वतीय और घाटीय, ठीक है। दिन के समय पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र उसकी घाटियों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, जिसके कारण पवन का संचार घाटी के ऊपर की ओर होने लगता है। इसी को घाटी समीर कहते हैं। देखिए दिन के समय जो डे टाइम है, ठीक है, माउंटेन वैली पॉइंट्स में जो ऊपर की ओर चल रही है, ठीक है। इसके विपरीत सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय पर्वतीय क्षेत्र में विकर द्वारा तेजी से ऊष्मा का विसर्जन होने लगता है, जिससे वहां पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ऊंचाई वाले भागों में हवा नीचे की ओर चलने लगती है, इसको पर्वतीय समीर कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये नीचे की ओर चल रही, चित्र में देख रहे हो, ठीक है। दिन के समय पर्वत का ढाल सूर्यास्त के प्रभाव से घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। ऐसी परिस्थिति वायु घाटी तल से पर्वतीय ढाल पर ऊपर की ओर प्रभावित होने लगता है, ठीक है। जो वही पर्वतीय समीर और घाटीय समीर। अब याद रखना, हमने इसमें क्या नहीं पढ़ा, मौसम पवनों में तीन पार्ट हो गए, इसमें चक्रवात और प्रति चक्रवात पवने रह गई। तो हम चक्रवात और प्रति चक्रवात का एक बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन अलग से आता है, तो उसको हम अच्छे से अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट तीसरे भाग पवनों का, तीसरा भाग स्थानीय पवन है। चित्र में पहले बात तो देख लीजिए, चित्र आपको स्थानीय पवन जब आपको याद करना है तो आपको सात और महाद्वीप याद होना चाहिए, जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सारे ही सारे आपको याद होना चाहिए, और साथ साथ में इनमें जो उल्लेखित देश हैं सभी देशों के नाम याद होने चाहिए, जब ही आप पवनों को याद कर पाएंगे स्थानीय पवनों में। क्योंकि देखिए कनाडा की बात करें तो कनाडा में चिनुक पढ़ेंगे हम, ठीक है, नॉर्थ यूएसए में पढ़ेंगे, ठीक है, पैम्पारो पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, ये सारे मिस्टल पढ़ेंगे, फोन पढ़ेंगे, ये यूरोप में पढ़ेंगे, जर्मनी फ्रांस में, ये सारी सारी, ठीक है, कारा बुरान पढ़ेंगे, बुरान पढ़ेंगे एशिया में, ठीक है, हरमट्टम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में, ठीक है, वर्ग पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका में, जे ब्रेक फील्डर पढ़ेंगे। तो सारी सारी जब याद होंगी, जब आपको पूरे देश याद होंगे, तो पहले देश याद अगर आपको है तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्थानीय पवने कौन सी होती है? स्थानीय धरातलीय बनावट, तापमान और वायु दाब की विशिष्ट स्थिति के कारण प्रचलित हवाओं के विपरीत प्रवाहित होने वाली हवा स्थानीय हवाओं के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इनका प्रवाह क्षेत्र बहुत सीमित होता है तथा स्थानीय हवा क्षोभ मंडल की सबसे निचली पर्वतों में सीमित होती है, इसलिए प्रवाह क्षेत्र मौसम में परिवर्तन होने लगता है। स्थानीय गर्म हवाएं और ठंडी स्थानीय हवाओं के अनुसार बहती है, दोनों को भागों का हम अलग अलग देखेंगे, ठीक है। जो टोटल हमारी पूरी चिनोक, फोन, सिराको, ब्लेजर्ड, मिस्टल, हरमट्टम, बोरा, ये सारी की सारी है ना, हम पढ़ने वाले हैं, इन सारी सारी पवनों को कौन सी देश में कौन सी बहती है। पहले देखेंगे गर्म स्थानीय पवन है, पहले नंबर पे आती है हरमट्टम, जो कि सारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्मी में शुष्क हवा है हरमट्टम। ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्मी में शुष्क हवा है। स्थानीय पवनों में बस आपको याद रखना है कि ये कौन सी गर्म है या ठंडी है और कौन से देश में या किस क्षेत्र में चलती है, ठीक है। बस आप यही प्रश्न आएगा प्रतियोगी परीक्षा में, हरमट्टम हो गई, सारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में चलती है, ब्रेक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में हो गई। अगली देखते हैं ट्रेमोंटाना उत्तरी इटली में चलने वाली हवा है, ट्रेमोंटाना इटली में चलने वाली हवा है। पोनेंटी भूमध्य सागरी क्षेत्रों विशेषकर कोर्सी तट तथा भूमध्य सागरी फ्रांस से चलने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, कौन सी है ये ठंडी हवाएं, ये पोनेंटी थोड़ी गर्म हवाओं में गलत तरीके से आ गई, तो इसको ठंडी हवा में नोट कर लेना पोनेंटी को, ठीक है, याद रखना। ब्लिजर्ड या वास्तव में ध्रुवीय पवन जो अत्यधिक सर्द और हिमकड़ों से युक्त होती है, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में प्रभावित होती है, कौन सी? ब्लिजर्ड, ठीक है। अगली देखिए बिली बिली उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफान है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के निकट उत्पन्न विकसित होते हैं, ठीक है, बिली बिली कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में।
अगली देखिए चिनुक, रॉकी पर्वत की पश्चिमी ढाल से पूर्वी ढाल की ओर प्रवाहित चिनुक गर्म और शुष्क हवा होती है, जिसके प्रभाव से यूएसए के ग्रेट प्लेन क्षेत्र में शीतकाल का तापमान पूरी तरीके से कम हो जाता है। आल्पस पर्वत है, कौन सी है? आल्पस पर्वत से उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, कौन सी? फोन। ठीक है, अभी चित्र में जैसा आपने देखा था यूरो महाद्वीप में, यह फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन सबका अधिक प्रवाह क्षेत्र स्विट्जरलैंड में ज्यादा होता है फोन का। ठीक है, याद रख। सिराको देखिए, सारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं, सिराको याद रखना। ठीक है, इसका सबसे अधिक प्रवाह इटली में होता है, यह अरब सागर में नमी लेने के बाद इटली में वर्षा करती है, तो बालू के करों के कारण वर्षा की बूंदें भी लाल हो जाती है। इस प्रकार वर्षा को इटली में ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। अगली आती है सिमूम, सारा और अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं, याद रखना। सामल, इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली हवाएं, सामल। ठीक है, सामून या इराक में कुर्दिस्तान पर्वत में चलने वाली हवाएं, ठीक है, ईरान में कुर्दिस्तान पर्वत में चलने वाली हवाएं। ब्लैक रोलर या यूएसए के ग्रेट प्लेन में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाएं, ब्लैक रोलर। लू, उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाएं, टॉर्नेडो, यूएसए के मिसिसिपी क्षेत्र में चलती है टॉर्नेडो। ठीक है, वर्गस, साउथ अफ्रीका में चलने वाली हवाएं, योमा, जापान में चलने वाली गर्म हवाएं, याद रखना, और जोंडा या अर्जेंटीना में बहने वाली गर्म हवाएं। ठीक है, तो सारे आप देखिए जो भी मैटर है पूरा फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, टेलीग्राम पे तो अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखिए, जब देखोगे चित्रों को देखोगे तो आसानी से समझ में जाएगा, और इसका पिक्चर से सारे इसको पिक्चर फॉर्मेट में मैं फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, तो समीक्षा इंस्टीट्यूट की वहाँ से आप ले सकते हैं। अगली देखते हैं ठंडी स्थानीय हवाएं, गर्म सारी हो गई, अब ठंडी में पैम्पेरो देखेंगे पहले नंबर पर। अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपा क्षेत्र में चलने वाली हवा पैम्पेरो में, पेपेगेनो है मैक्सिको के तट पर चलने वाली हवाएं, बोरा यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवाएं, हबू अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में विशेष रूप से सूडान में तेज धूल भरी चलने वाली हवाएं, बुरान या इनको पुरगा भी कहते हैं, यह रूस और रूस के साइबेरिया या मध्य एशिया में चलने वाली हवाएं। ठीक है, मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली हवाएं, नेवाडोज या दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के हिम क्षेत्र में चलने वाली हवाएं, ग्रीगेल या दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली हवाएं, ब्रोजोन या पेरू और चिली के पश्चिमी तटों में चलने वाली हवाएं, और मिस्टर या फ्रांस और स्पेन में चलने वाली हवाएं। तो ये सारी ठंडी हवाएं हो गई, गर्म हवाएं हो गई हमारी, और पवनों का पूरा मैटर हो गया। अब लास्ट में बचता है हमारा जेट स्ट्रीम क्या होता है। पहली बात तो चित्र में देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी जो धारियां आपको देख रही हैं, जेट स्ट्रीम यानी हवाओं की प्रतीक है, इनको चिन्हों को पहले जेट स्ट्रीम पढ़िए कि होता है क्या, ध्यान से सुनिए। जेट स्ट्रीम हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और कई किलोमीटर ऊंची इसकी होती हैं। इसकी धुरी के प्रत्येक बिंदु पर इसका न्यूनतम वायु वेग या चाल, ध्यान से देखिए, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। शीत ऋतु में इसकी स्थिति भूमध्य रेखा से 20 अक्षांश के निकट तक होती है, और इस समय ग्रीष्म ऋतु की तुलना में इसका औसत वेग भी दोगुना हो जाता है, यानी 30 से 60 हो जाता है। वर्तमान समय में जेट स्ट्रीम का सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, प्रमाणिक और सटीक माना जा रहा है। जेट स्ट्रीम के दाएं किनारों पर हवा के जमा हो जाने के कारण पछुए पवन की पेटी के भूमध्य रेखीय किनारों पर पृथ्वी पर उच्च वायु धार क्षेत्र की स्थापना में बहुत मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को एंटी साइक्लोजेनियस भी कहा जाता है। सबसे पहले तो जो पृथ्वी के धरातल से काफी ऊंचाई पर चलती है, काफी लंबा क्षेत्र रहता है, विस्तृत क्षेत्र रहता है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो। ठीक है, ये पूरा इतना विस्तार क्षेत्र रहता है इनका। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम होती है, पूरा डेफिनेशन आपने पढ़ ली, जेट स्ट्रीम होती क्या है। ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो इसका। फ्रेंड्स, तो ये सारे पवने हो गई हमारी, जेट स्ट्रीम हो गया, उम्मीद करता हूँ पसंद आया। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा चक्रवात होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। इसी प्रकार सारा मैटर आपको समीक्षा इंस्टीट्यूट पर उपलब्ध होता रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलेंगे अगले टॉपिक में।